रहमानिर्रहीम या कनाबदो या कनस्ताइन। मैं पहले तो गवर्नर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने ऑर्गेनाइज़ किया डोनर्स को, जिन्होंने यहाँ के आज ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन की। मैं सारे डोनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कई आप में से पुरानी शक्लें हैं जो कि मैं शौकत खानम में आपको कितने सालों से देख रहा हूँ कि आप मुझे कंट्रीब्यूट करते रहे हैं, तो मैं आपका डबल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ख्वातीन हज़रात आपके सामने सिर्फ तीन चीज़ें रखूँगा। देखें, एक कौम का जो टेस्ट होता है, इम्तिहान होता है, वो वही होता है जो कि इंसान का इम्तिहान होता है। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को मुश्किलों से आजमाऊंगा, क्योंकि मुश्किल में ही इंसान के ईमान का पता चलता है। अच्छे वक्त में तो सारे लोग ही अच्छे मुसलमान होते हैं, लेकिन जब प्रेशर पड़ता है, एक बिजनेसमैन है, उसको नुकसान हो गया, उस जब बुरे वक्त के अंदर मेरे तजर्बे में एक बिजनेसमैन तब तबाह होता है, नुकसान से तबाह नहीं होता, जब नुकसान के दौर में वो शॉर्टकट करता है, कोई फ्रॉड करता है, कोई उस नुकसान से दो नंबरी से निकलने की कोशिश करता है, वो असल में उसको तबाह करती है। जो आदमी बुरे वक्त को एक अल्लाह की तरफ से इम्तिहान समझता है और फिर उसका मुकाबला करता है, वो हमेशा ज़्यादा तकड़ा होकर खड़ा होता है। और ये अल्लाह का वादा है इंसानों को कि जो उसके रास्ते में खड़े रहते हैं, जो सबसे बड़ी क्वालिटी एक इंसान की होती है, मुश्किल वक्त में सब्र करना, जिसमें ये क्वालिटी होती है वो बड़े इंसान बन जाते हैं। और जो मुश्किल वक्त के अंदर हाथ खड़े कर देते हैं, वो फिर एक उन्हीं लाखों करोड़ों इंसान जो इस दुनिया में आए और फेल होके चले जाते हैं। तो कौम का इम्तिहान है, ये मुश्किल वक्त है। मुश्किल वक्त ऐसा है कि किसी को भी तजर्बा नहीं है कि इस वक्त से कैसे डील करना है। आप सारी दुनिया के अंदर देख रहे हैं, वो मुल्क जिनके अंदर हमारे से कई गुना ज़्यादा वसाइल, इदारे हमारे से बेहतर, ज़्यादा मजबूत, उनके जो हेल्थ सिस्टम है उसमें उनका सिर्फ हेल्थ सिस्टम पे वो इतना पैसा खर्च करते हैं जो हम सारा साल अपने 22 करोड़ लोगों के ऊपर नहीं खर्च करते। ज़बरदस्त हेल्थ सिस्टम भी हैं, रिलीफ पैकेज अमेरिका देता है $2000 अरब का, हम मुश्किल से $8 अरब का रिलीफ पैकेज दे सकते हैं। तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि वसाइल कितना हमारे में और अमीर मुल्कों के वसाइल में कितना फ़र्क है, और उसके बावजूद आप उनके आज हालात देखें, एक सिस्टम, एक ब्रेकडाउन आप देख रहे हो वहाँ, यानी वो मुल्क जो हम समझते थे हमारे से, हम उनकी तरफ देखते थे कि देखें, मिसाल देते थे कि ये है तरक्की, आज उनके हालात देखें। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। अगर उन मुल्कों का ये हाल हो सकता है तो हमारे मुल्क में तो वैसे ही हालात बुरे थे, गुर्बत ज़्यादा है, वो लोग जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे हैं वही तकरीबन 5-6 करोड़ लोग हैं पाकिस्तान में, यानी पहले से ही 5-6 करोड़ ऐसे लोग थे जो दो वक्त की रोटी नहीं खा सकते, और ऊपर 5 करोड़ उनके ऐसे लोग हैं जो कि अगर एक ज़िंदगी में झटका पड़ता है तो वो भी गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, मैं इसको बड़ा चैलेंज समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जब ये कौम इस चैलेंज से निकलेगी तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ कौम होगी। ये वो कौम होगी जो इंशाल्लाह, मैं हमेशा समझता था कि इसको बनना चाहिए। और क्या कौम बनना चाहिए थी, जो जिसकी वजह से ये कौम बनी थी, जो विजन थी, जो नज़रिया था पाकिस्तान का, एक बहुत बड़ा नज़रिया था जिसको हम भूल बैठे हैं, जिसको हमने कभी उसकी अहमियत ही नहीं दी।
लोगों को याद ही नहीं कराया कि ये पाकिस्तान बना क्यों था। एक बड़ा नजरिया था, इस्लामी फलाई रियासत। ये अलामा इकबाल की अगर आप सारा फलसफा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़ा ख्वाब था। हमने तो दुनिया में मिसाल बनना था कि असल में इस्लाम क्या है। हमने एक मॉडल बनाना था कि इंसानियत और इंसाफ का निज़ाम क्या होता है। बदकिस्मती से उससे हम बहुत दूर चले गए। और अगर हमारी मुश्किलें, अगर हमारी दुनिया में हमें इज्जत नहीं मिली, अगर एक वक्त पे इज्जत मिलते मिलते कम होती गई, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपनी विजन, अपने नज़रिए से बहुत दूर चले गए। जो वादा था पाकिस्तान का, उस वादे से पीछे चले गए। तो ये अब एक मुल्क के ऊपर इम्तिहान आ गया। ये एक चैलेंज है कि क्या इस चैलेंज में क्या हमारा मुल्क खड़ा होगा, क्या एक मजबूत मुल्क बन के निकलेगा। तो वो कहते हैं ना, बैक टू बेसिक्स। एक वक्त पे जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे, तो वो दौर, क्योंकि वो ज़रूर स्टडी करें, इसलिए स्टडी करें, मैं इसलिए आप सारे लोगों को कहता हूँ, बदकिस्मती से हम इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं और वजूहात के लिए, वोट लेने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन हम ये नहीं समझते कि जब हमें अल्लाह ने कुरान में कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, तो अल्लाह ने हमें ये क्यों कहा था? क्योंकि अल्लाह ने सारी चीज़ें तो हमारी बेहतरी के लिए की हैं। कुरान तो है ही हमारी बेहतरी के लिए, अल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह तो खुद कफील है। अल्लाह का वादा यह है कि अगर तुम उस पर चलोगे तो तब तुम एक अजीम इंसान बनोगे। तो वो जो मदीना की रियासत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, वो मॉडल था जिसकी वजह से मुसलमान अगले 700 साल तक दुनिया की सबसे अजीम कौम बने थे। वो मॉडल था, वो मॉडल था मदीना का। तो उसमें क्या किया था? जब वो बुरे हालात के अंदर मदीना पहुंचे मक्का से, तो क्या हुआ था? एक इंसानियत का निज़ाम आया था। जो मुहाजर थे उनको, जो अंसार थे उनको इकट्ठा किया, शेयर किया, अपनी रिसोर्सेज से शेयर करना शुरू किया। यानी इससे बड़ा चैरिटी का क्या काम होगा कि वो जब आए तो उनको सस्टेन वो कैसे करना था? तो वो सारी चीज़ें जो हमारे नबी कर रहे थे वो हमारे लिए थी, हमेशा के लिए सीखने के लिए। फिर दूसरी चीज़, फलाई रियासत बनाई। एक रियासत ने जिम्मेदारी ली अपनी कमज़ोर तबके की। तब तो बड़े बुरे हालात थे मदीना में, उनके पास पैसे भी नहीं थे, कमज़ोर थे लोग, मुश्किल से 5-6 साल तो सर्वाइव करते हुए, उनको बड़ा मुश्किल से सर्वाइव किया उन्होंने। तो उस दौर के अंदर भी उन्होंने एक फलाई रियासत बनाई। अब ये है हमारे लिए, हमने अगर इससे निकलना है तो जो हमारे मुल्क की वो लोग हैं जिनके पास वसाइल हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पैकेज है, और मज़ीद और देंगे। जैसे जैसे अब हम पैसे इकट्ठे करेंगे पब्लिक से, हमारी अब सारी कोशिश क्या है? हमारी सारी कोशिश ये है कि जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे इस लॉकडाउन से, कौन सा वो तबका होगा? जो हम सब जानते हैं, जो डेली वेजर है, जो छाबड़ी वाला है, जो छोटा दुकानदार है, जो रिक्शा चलाने वाला है, जो सारा दिन मेहनत करके घर आके अपने बीवी बच्चों को खाना देता था, ये सब मुतासर हैं। जो कंस्ट्रक्शन में है, जो कि पेंटर है, जो वेल्डर है, ये सारे लोग इस वक्त घर बैठे हुए हैं। तो चैलेंज हमारा क्या है? चैलेंज ये है कि एक तरफ कोरोना वायरस भी ना फैले, क्योंकि वो भी हम एक अल्लाह की तरफ से एक अजाब आया हुआ दुनिया में। तो कोरोना वायरस भी ना फैले, लेकिन साथ साथ ये जो पीछे रह गया, जो तबका आगे मुश्किल में था, हमारा माशरा उसका कैसे ध्यान रखता है, ये है बैलेंस। ये हमने करना है, ये चैलेंज है। एक तरफ हम कहीं शादियां, स्कूल कॉलेजेस बंद है हमारे सारे, वो जो जिधर भी लोग मैचेस हैं, जिधर भी लोग जमा हो सकते हैं, वो सब हमने बंद कर दिया है।
लेकिन दूसरी तरफ हमने अपने मुल्क को इस तरह चलाना है कि बिल्कुल जो हमारा इतना कम से कम 10 करोड़ लोग हैं जो मुतासर हैं, इसे बुरी तरह और भी मुतासर हैं, सफ़ेद को पोश भी मुतासर होंगे, आज नहीं तो हम महीने के बाद होंगे, तो उनको हमने कैसे रखना है, जिसकी वजह से हमने कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री खोल दी है, क्योंकि हम समझ गए सड़कें बनाने पर, घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में, और अगर बड़ी कंस्ट्रक्शन है जैसे ज़्यादा लेबर है उसको वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर हम रख लें, अगर हम अपनी हिकमत इस्तेमाल करें तो कम अज़ कम कंस्ट्रक्शन के अंदर शहरों के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। देहात के अंदर एग्रीकल्चर वो हमने मुकम्मल तौर पर खोला हुआ है, वहाँ किसान पूरी तरह उनके लिए कोई रुकावट नहीं है और सबसे ज़्यादा लोग उधर उनको रोज़गार मिलता है एग्रीकल्चर में। तो ये दो शोबों को खोल के मैं बाकी भी आगे आपसे अंजुम आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह सारे चैम्बर्स को साथ बुलाएंगे, क्योंकि अभी तो एकदम लॉकडाउन हो गया ना, अब हमारा मुसलसल कोशिश ये है, हर रोज़ हम बैठ के सोचते हैं कि कौन सी हम इंडस्ट्री खोल सकते हैं जिससे ये दो चैलेंज है कि लोग भी ज़्यादा जमा ना हो, हम कोरोना की जंग भी लड़ सकें और हम रोज़गार भी दे सकें, हमारे जो इकॉनमी है वो भी चलती रहे। ये है असल में चैलेंज, ये हर रोज़ हम ये चॉइसेस हमारे सामने होंगी, हम देखेंगे कि अगर कहीं भी हमें पता चला कि कोरोना फैल रही है तो इसलिए हमने ये जो हमारी टाइगर फोर्स जमा हो रही है, अब तक कितने 5 लाख बन चुके हैं मेंबर, 6 लाख बन चुके हैं हमारे मेंबर्स, ये जो कोरोना टाइगर्स हैं, ये क्या करेंगे, ये जब भी हमें अगर पता चला कि कहीं, क्योंकि ये अभी बड़ी लंबी जंग है ये कोरोना की, ये कोई किसी को गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, मैं कई चीज़ें पढ़ता हूँ सोशल मीडिया में कि जी पाकिस्तानियों को तो बनाई अल्लाह ने ऐसा कि हमें कोरोना इफेक्ट ही नहीं करेगी, कोई इस तरह की गलत बातें ना करें, कोरोना किसी को नहीं बख्शेगी, अभी तक अगर अल्लाह ने हमें बचाया हुआ है तो इसका ये नहीं मतलब कि हम पागलपन करके और अपने आप को मुश्किल में डाल दें। जो आप हालात देख रहे हैं कि मगरब के अंदर जिस तरह के हालात हैं, न्यूयॉर्क जैसे शहर जो दुनिया के जो मिलियनर्स हैं वो तकरीबन को 20 या 30% जो सबसे अमीर लोग हैं वो न्यूयॉर्क में रहते हैं, तो वहाँ के हालात देख लें। तो इसलिए कभी अपने आप को इस गलत फहमी में ना रहना कि ये पाकिस्तान में फैलेगी नहीं, हमें बिल्कुल सारे कौम को मिल के अपने ऊपर डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा कि अगर अल्लाह ने अभी तक बचाया हुआ है तो हम एहतियात करें। हम मुसलसल हमारे पास डॉक्टर्स की टीम बैठी है जो डेटा देखती है, हर रोज़ सुबह हम डेटा एनालाइज करते हैं, जो हमारा कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर है उसमें सारा डेटा देखा जाता है, उसके मुताबिक हम अब चल रहे हैं, जिधर भी हमें पता चला कि क्लस्टर होगा उधर उनको हम पूरी तरह लॉकडाउन करेंगे। लेकिन लॉकडाउन कामयाब तब होगा जब हमारे पास फोर्स हो पूरी जो हर घर खाना पहुँचा सके, कोई दुनिया में लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता अगर आप लोगों को अंदर बंद करके उनको खाना पीना ना पहुँचाए, बुनियादी ज़रूरियात उनकी पूरी ना करें। अगर चाइना में वो वुहान प्रोविंस में वो जीते थे जंग, तो उन्होंने हमारे जो स्टूडेंट्स बताते हैं कि हर घर में खाना पहुंचा था, इसलिए वो 2 महीने बंद रह गए। तो हमारे सामने भी ये चैलेंज है कि अगर हम देखते रहेंगे, अगर हमें देखना कि कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ी है हमारे पास टाइगर फोर्स है। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए मेरा 30 साल का तजर्बा है अब चैरिटी का, जब मैं शुरू की थी पाकिस्तान में पैसे इकट्ठे करने तो शौकत आनम के लिए, तो सिर्फ एक नाम आता था मौलाना ईदी का, उसके अलावा कोई चैरिटी का कोई ज़्यादा, सारे करते थे थोड़ी थोड़ी चैरिटी लेकिन बड़े पैमाने पे चैरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आज मुझे इतनी खुशी होती है कि कितने हमारे स्पोर्ट्समैन ने भी शुरू कर दिए है, अपनी फाउंडेशन शुरू कर दी है, शो बिज़ के अंदर लोगों ने अपनी फाउंडेशन शुरू कर दी है, इब्रार उल हक यहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने भी एक फाउंडेशन पूरी चलाई, इन्होंने सहारा ट्रस्ट, ये बड़ी पॉजिटिव, ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी अगर आप कहें कि ताकत क्या है, हमारे में ये जो खैरात देने की हम इस माशरे के अंदर लोगों में ईमान है, लोगों को आखिरत का परवाह होती है, लोग इस मुल्क में पता है कि अल्लाह का हुक्म है कि वो अल्लाह हमारी आखिरत
जज करेगा कि हम अल्लाह ने हमें किधर रखना है मरने के बाद, डिपेंड करता है कि हम जितना अल्लाह हमें नवाजता है उससे हम अल्लाह के उस मखलूक जो पीछे रह गए उसके लिए क्या करते हैं। बेसिकली ये हमारा इम्तिहान है। क्योंकि हमें ईमान है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि दुनिया में 5-6 मुल्कों में से सबसे ज़्यादा खैरात देता है, और मैं उसका सबसे आपके सामने खड़ा हूँ, वो आदमी जिसने सबसे ज़्यादा पैसा पाकिस्तान में इकट्ठा किया। लोग पैसा तब देते हैं जब उनको ये एतमाद हो कि जो वो पैसा दे रहे हैं वो पैसा सही इस्तेमाल होगा। अगर उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाए, इस मुल्क में कोई कमी नहीं है लोगों की, खुले दिल वाले लोगों की जो कि पैसा देते हैं। अब ये जो आपका पैसा है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो हम पैसा इकट्ठा करेंगे ये सारा जाएगा, हम कैश ट्रांसफर्स करेंगे, यानी हमारे पास पूरा डेटा बेस है। यहाँ डॉक्टर सानिया बैठी हुई हैं, इन्होंने बड़ी मुश्किल से एक पूरा डेटा बनाया हुआ है कि कौन से लोग हैं सारे पाकिस्तान में जो सबसे गरीब है, उनका पूरा डेटा है। और फिर मजीद इसी के अंदर जो हम इस डेटा को बढ़ाते जाएंगे, यानी इसमें ऐड करते जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में पता चलेगा कि कोई लोग अगर मिस हो गए हैं, तो ये बड़ा साइंटिफिकली ये डेटा बना हुआ है, इसमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट पे दिया जाएगा, ये नहीं होगा कि वो किसी पार्टी का है या किसी पार्टी का नहीं है, सबको मेरिट पर दिया जाएगा। ये जिस तरह शौकत खानम में आज तक कभी कोई फ़र्क नहीं किया गया कि जो भी मरीज़ आता है मेरिट पे उसको देखा जाता है, जो भी भर्ती होती है वो मेरिट पे होती है, उसी तरह नमल में, उसी तरह ये भी प्रोग्राम बिल्कुल, हम अपने सारे जितने भी हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, हम सबको कह रहे हैं इसमें शिरकत करें। और बल्कि हमारे MPAs और MNAs के ऊपर भी इम्तिहान है, आप जितना इस मुश्किल वक्त में आप अपने लोगों के पास जाके उनकी खिदमत करेंगे, ये है असल में सही पॉलिटिक्स। ये है वो पॉलिटिक्स जब पॉलिटिक्स इबादत बन जाती है। बदकिस्मती से जो दूसरी पॉलिटिक्स जिसे बदनाम हुई है पॉलिटिक्स, वो ये है कि हम कहते हैं कि हम आवाम के लिए करेंगे और करते अपनी ज़ात के लिए। तो ये हमारे पॉलिटिशियंस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, मुल्क के लिए भी चैलेंज है। और इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूँ आप कि हम एक सारी जितनी भी चैरिटेबल एफर्ट, जितने भी खराती इदारे काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि सानिया आपने वो पेज लॉन्च कर दिया अभी तक फेसबुक पे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह वो हम पेज लॉन्च कर रहे हैं। और ये ज़रा मैं आपको आखिर में ये बता दूँ, ये है क्या, फेसबुक पे एक पेज लॉन्च होगा, उसमें एक तो हर जगह से पाकिस्तान से जिधर जिधर लोग मुश्किल वक्त में हैं, वो उस पेज के ऊपर उनको हम एड्रेसेस पता चल जाएगा कि कौन कौन किस ज़िले में किस महल्ले में मुश्किल वक्त में और उनको इमदाद चाहिए। दूसरी तरफ जो भी चैरिटी देना चाहता है हम उन्हें कहेंगे रजिस्टर करें, और हम उन सारों को बता देंगे कि ये लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, जो हम चेक कर चुके होंगे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, आप इन लोगों को जो भी देना चाहता है उनको इकट्ठा कर देंगे। इसका मकसद क्या है कि डुप्लीकेशन ना हो, ये ना हो कि जिस तरह जलजले में और जब मैं काम कर रहा था और उसमें फ्लड्स में जब मैंने देखा कि एक जगह के ऊपर इतना ज़्यादा लोगों ने अनाज जमा करके दे दिया कि वो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ लोग भूखे थे। तो हम ये चाहते हैं कि इस बार एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हमारी चैरिटेबल ये जब एफर्ट हो जिस पर गवर्नमेंट भी काम कर रही हो, सारी पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हों, लेकिन एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो ताकि जो भी हमारे वसाइल हो वो सही तरह खर्च हो। मैं फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने आज डोनेशंस दिए हैं। चौधरी साहब आपका भी, मैं उस्मान बुज़दार आपको ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं पंजाब में कि बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से आप ये काम कर रहे हैं। थैंक यू जी।